आपको भी इंस्टाग्राम डाउनलोड करना है आपके लैपटॉप पीसी में, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं एक सिंपल ट्रिक स्टेप से इंस्टाग्राम जो है डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। सिर्फ वीडियो आखिर तक देखना है और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आए तो, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ उस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और इंस्टाग्राम जो है 100% आपका डाउनलोड होगा। आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट स्टोर करके ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अगर यह ऑप्शन आपके लैपटॉप में दिखाई नहीं दे रहा तो फिर सर्च बार में सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ये लोड होके ओपन होगा। डायरेक्टली ओपन नहीं हुआ तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन ना करते हुए भी आप इसको जो है वो चला सकते हैं, मतलब साइन इन को स्किप कर देना है और ऊपर सर्च बार में टाइप करना है आपको इंस्टाग्राम। जैसे मैंने इंस्टाग्राम टाइप किया और इंस्टाग्राम की एक विंडो यहाँ पे आ गई, तो सिंपल इधर गेट ऑप्शन है, गेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोडिंग के लिए इंस्टाग्राम जो है वो लग गया है। और आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद साइन इन के लिए अगर पूछ रहा होगा तो साइन इन कर दो, नहीं किया तो भी चलेगा। उसके बाद ये देखो पूरा डाउनलोडिंग हमारा चालू हो गया है। दोस्तों अगर आपका भी डाउनलोडिंग के लिए लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डाउनलोड होने के बाद आप लाइक करने के लिए तो आओगे नहीं वीडियो के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब तो नहीं करोगे। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, क्योंकि सिंपल वन स्टेप में मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो अभी ओपन नाम भी आ गया है, ओपन नाम पे मैं अभी क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ओपन नाम पे क्लिक करूँगा इंस्टाग्राम ओपन होगा, उससे पहले अगर ये देखो मेरा डेस्कटॉप पे अभी भी इंस्टाग्राम दिख नहीं रहा तो मैं सर्च बार में इंस्टाग्राम टाइप करूँगा, ये देखो आ गया। उसको राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार का ऑप्शन है उस वो दबाने के बाद ये देखो टास्क बार पे हमारा इंस्टाग्राम है शो होने लगा, मतलब आप कब भी कंप्यूटर लॉगिन करोगे ये ऑप्शन रहेगा ही। और उस पर क्लिक करने के बाद इधर आपका अकाउंट नेम और यूज़र नेम, मतलब अकाउंट यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इंस्टाग्राम जो है वो चालू कर सकते हैं।